हमारे इस वियतनाम के ट्रिप में मैंने और आपने पूरे वियतनाम को साउथ से नॉर्थ तक साथ में एक्सपीरियंस किया है। हमने बहुत सारी चीजें जानी, देखी और एंजॉय भी की साथ में। पर वियतनाम की इस जर्नी के एंड में हम लोग वियतनाम की ऐसी जर्नी करने वाले हैं जिसको बहुतों ने कहा है कि लाइफ चेंजिंग होती है। और ये लेजेंडरी जर्नी को वियतनाम का हाजियांग लूप के नाम से जाना जाता है। तो हम वियतनाम की नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पे जाने वाले हैं एक अमेजिंग 300 किलोमीटर्स और 2 नाइट और 3 डेज की जर्नी में, जहां पे ढेर सारे अमेजिंग व्यूज, नए दोस्त और वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस फील करने। चलो लेट्स गो। सुबह सुबह जो हमारी अभी डे टू की ट्रिप शुरू होने के पहले ना, सारे लोगों की जो हमारे गाड़ी चला रहे हैं या इजी राइडर्स है, उनकी ब्रीफिंग चल रही है। चलो लू, रेडी? या रेडी, कम ऑन, लेट्स डू दिस। तो अपनी पोकेमोन वाली हेलमेट लगा ली है मैंने, आशीर्वाद ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं डे नंबर 2 हाजियांग लूप का। तो ग्रुप नंबर 1 चल पड़ी है अपनी। 10-10 लोगों की ग्रुप है ये ट्रिप में, टोटल 20 है। तो अभी हम लोग जस्ट निकल पड़े हैं। आज डे नंबर 2 ऑफिशियली शुरुआत होती है गणपति बप्पा का नाम लेके। गणपति बप्पा मोरिया। आज ना हमारे यहाँ पे राइड में, एक्चुअली कल भी ऑक्शन था, कल मेरा पूरा जूता गीला हो गया था। ये थैले आप बांध सकते हो ताकि जो छींटे उड़ते हैं ना पानी के, वो आपके जूते पे ना आए, सो आपके जूते ड्राई रहेंगे। क्योंकि कल मेरा एक पूरा पैर गीला था और पूरा सॉक्स भी गीली हो गई थी, तो सूखा ही नहीं रात भर, इधर ठंड इतनी थी। सो अभी आज ये पहन के अपने को ध्यान है। तो अभी एक स्टॉप पे आए हैं हम, यहाँ पे हमारे दिन की पहली स्टॉप है। एक मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में अभी अपने गाइड को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। पीछे आप देख रहे हैं वो है, क्या व्यूज है यार इधर, देखे तो सही है। दो पहाड़ के बीच में से कैसा वो यू शेप फॉर्म हो रहा है और रोड जा रहा है, क्या अमेजिंग है। यही चीजों को ऑनर करने के लिए यहाँ पे इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया है। क्या व्यू है यार, पूरा माउंटेन्स में क्लाउड्स के ऊपर है ऐसा लग रहा है यार, लिटरली देखो तो सही। नीचे विलेज है और इधर ऊपर पूरा क्लाउडी क्लाउडी क्लाउडी। उस लोग में ऐसे रास्ते में जाते हो ना, बहुत मतलब केयरफुली चलाना पड़ रहा है भाई। अपने राइडर लोग सब बहुत ही स्किल्ड है एक तरफ से। अगर कोई भी एमेच्योर रहे, जिसको मतलब अनाड़ी रहे, जिसको चलाने ना आए ना, ये से रस्तों पे आगे की ब्रेक मार दोगे सीधा सटक के नीचे भाई। पूरा देखे कैसा यहाँ पे चट्टान को साइड साइड से काट काट के ये लोग हाईवे बना रहे। इसे हाजियांग लूप इसीलिए बोला जाता है, आपको अभी समझ रहा है। पूरा जो रोड है ऐसे लूप में जा रहा है, ऊपर नीचे पहाड़ों के अराउंड, बहुत ही औसम लगता है यार ये। तेरी माँ की संभल तो यार, अरे आराम से बड़ी ही भाई। मेहनत वाली राइड करने के बाद में अभी हम लोग पहुँच गए हमारे लंच ब्रेक के स्पॉट पे इधर, और इधर ग्रुप मसाज चालू है। Canada versus Vietnam. Oh, he's owning you. 2 points to nothing. Oh, he's got the point. So Lou bhai ne abhi just bola ki Vietnamese mein let's go go B boy bolte hain. B boy. Thank you.
Hi. Hi. What is your name? Lucy. Yeah. Hey. Hello. What is your name? Deshaun. Yeah. What is your name? This is my camera. This is my channel, Vivek. Yeah. Thank you. What is your name? Isaac. Let's go. Bạn hỏi thì khách Việt đấy chứ Việt Nam Việt kiểu đấy. Him him. I'm on. Oh. I'm What my is your name? Izuan. Okay. Bye. Bye. So, अभी जस्ट हमारे डे टू की पूरी एंड तो नहीं हुई है अभी तक, वीडियो थोड़ा और बचा है, पर हम लोग हमारे होम स्टे में आ गए जो ये फील्ड में विलेज के बीचों बीच है. और क्या ऑसम एक्सपीरियंस है, आते ही उन्होंने हमें चाय भी दे दिया, ब्लैक टी है ये, अपना वाला चाय नहीं है. और उधर देखो एक अपना छोटू भी है और एक छोटू को लेके जा रहा है, आप सब लोगों को हाय भी बोल रहा है. सो अभी थोड़ी देर में कह रहे हैं कि वाटरफॉल की तरफ जाना है, पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है, जाने मिलेगा कि नहीं मुझे. तो अपने होम स्टे में अभी रूम चेकआउट करने जा रहे हैं हम लोग. ओह मैन स्वीट, भाई साहब क्या रूम है यार, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है ये पूरा मतलब देखे ना, वुडन कॉटेज है, डबल बेड है. ये तो मैं एरन के साथ जो कनाडा से उसका शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा बेड है. क्या क्यूट सा रूम है यार, क्या क्यूट सा रूम है, बहुत ही मजा आ रहा है ये ट्रिप पे गाइस, जरूर करिए यार. एंड सीरियसली आप लोगों को थैंक्स बोलना है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहे ना तो ये सारे वीडियोस बनाने का मकसद ही नहीं है, इंस्पिरेशन ही नहीं है. सो थैंक्स अ लॉट तहे दिल से आप लोगों का, यू गाइस हैव बीन रियली सपोर्टिव एंड आप लोगों ने बहुत 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 साथ दिया है, थैंक यू सो मच. चलते फिरते डीजे भाई भी इधर ही है. Let's go. क्या एडवेंचर हो रहा है यार ये. बिल्कुल भी मतलब ना समझ में नहीं आ रहा है ये पूरा सीन, मतलब बहुत ही ज्यादा अनरियल लग रहा है. एक्चुअली एक और बात बोलूं तो मैं अकेला ही यहाँ पे इंडियन हूँ और कोई भी अपना दिख ही नहीं रहा है, अकेला भी फील होता है, सेंस ऑफ फन भी बहुत ही अलग ही है यहाँ पे. शाम को क्योंकि हमारी आखिरी इवनिंग थी ग्रुप के साथ, तो बहुत ही बढ़िया सा डिनर भी अरेंज किया था, खूब सारे ड्रिंक्स थे और पार्टी होने वाली थी. और यहाँ के होस्ट तो क्या ही बताओ, बहुत ही अमेजिंग थे और उनकी विजडम तो माँ कसम अलग ही लेवल पे थी. Where you come from? India. India. And where you come from? Ireland. Holland. Ireland. Ireland. And you? Ireland. And you? Canada. See? When you come to Canada? Come to? What's your name? Deshaun. Come to Rison. Come to Zusa. Hazan. Come to Kevin. Yes. You come to India. Come to Vivek's house. Looking for him. That is money can buy. Yes. Cheers. Ooh. Got it. Cleared off. Hard. You gotta try. Yeah, I gotta try. Get over here. Yeah, yeah. Harder. Clear it. There you go. I'm never man sitting no man, I still go.
I'm not to say. That's from the heart. From the heart. That's from the heart. I'm gonna lie. It's from the heart. It's from the heart, but I'm gonna lie. Okay. Bye bye. और लास्ट नाइट की इतनी ऑसम पार्टी करने के बाद इस ब्यूटीफुल जगह को बाय बोलने का टाइम आ गया था। हाजी एंगलुप की ये जर्नी 2 दिन जो थी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, और जितने भी लोगों ने कहा था कि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहता है वो सब सच था। यहाँ पे इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे लोकल्स थे, और जो दोस्त बने वो कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहने वाले हैं। तो आपको भी मैं ये चीज़ करने हाईली रिकमेंड करता हूँ। I want to say good luck for you tonight. Everyone going back to Hanoi, to Phong Nha, to Ha Long Bay, someone going Sapa, right? And see you soon. I hope anything very well for everyone. Everything well. Boyfriend, girlfriend for a long time. Hope good health, good job, good anything in your life. बहुत साथ दिया भाई ये हेलमेट ने, 3 दिन ये पिकाचू ने, बहुत मज़ा आ गया। बहुत मिस करूँगा अभी इसको मैं। बहुत ही क्यूट सा हेलमेट था, और अभी बाय बोलने का है सबके साथ में, इस ग्रुप के साथ।